हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 आप सबका स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी लोग ठीक है यार पावर कट की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है गर्मियां स्टार्ट होगी ना तो बिजली से बड़ा परेशान हूँ मैं सुबह से ठीक है सो so, माफी चाहूँगा आज लेट के लिए यार अभी सुनील सर की क्लास भी होगी तो उसके साथ क्लैश करेगा बट मेरे पास कोई और चारा नहीं है मैं क्या करूँ मतलब लाइट ही नहीं थी तो कैसे करता सो आई एम वेरी सॉरी फॉर देट ठीक है मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम है इसमें और बस मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता बस एक बार सॉरी बोल सकता हूँ आपको चलिए लेट्स बिगिन द क्लास आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की सो करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू थिंग्स मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा और सबसे पहली जो चीज है वो क्या है दोस्तों देखो यार ये अगर आप यूपीएससी सीएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बाय चांस ठीक है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दीज आर द फोर चैनल्स जिनके साथ में आप जुड़ सकते हैं ये अपने ही चैनल्स हैं मैं आप मैं चाहता हूं कि आप इन चैनल से जुड़ें और इन चैनल के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं इन चैनल में नाम है सबसे पहले जोग्राफी वन जीरो वन उसके बाद है यूपीएससी वन जीरो वन उसके बाद है करंट अफेयर वन जीरो वन और उसके बाद है एनसीआर टी वन जीरो वन सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं रेगुलर रूप से मेरी क्लासेस करना चाहते हैं तो आई आई रिक्वेस्ट यू

मेरा दो कोर्स आ रहा है दोस्तों पहला मेरा ग्यारह अप्रैल से मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड सेकंड जो कोर्स आ रहा है मेरा वो आ रहा है थर्टीन ऑफ अप्रैल से ठीक है ग्यारह तारीख से अपना कोर्स आ रहा है किसका दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है ठीक है डिटेल्ड इंडियन जोग्रफी कोर्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ और तेरह तारीख से जो कोर्स आ रहा है इसके अंदर में वी आर गोइंग तो टू डिस्कस इन है, है? So, सुमित सुमित भी, भी चल रहे हैं दोस्तों दिस इज माई पर्सनल फेवरेट मतलब अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिक्स मंथ का क्या मिल रहा है दोस्तों फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है ठीक है छह महीने का आपको क्या मिल रहा है फ्री एक्सटेंशन एंड दिस इज द बेस्ट थिंग मेरा

उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट किसके ऊपर आई है दोस्तों रिपोर्ट आई है आधार की एजेंसी जिसका नाम है यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हमने आधार एक्ट के द्वारा स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया था जिसको हमने आपका एक एक विधेयक पास करके जिसको हमने एक विधाई बॉडी बनाया था ये जो कैक की रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अंदर में जो यू आई ए डी आई की अलग अलग जो आपकी मतलब मैं कह सकता हूँ कमियाँ हैं उनको दिखाया गया है ठीक है कैग ने एक पूरा सर्वे किया कंप्लीट सर्वे किया और उसने बताया कि क्या क्या कमियां हैं ठीक है, है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और क्या क्या कमियां हैं आधार सिस्टम के अंदर क्यों आधार सिस्टम जो है वो फुल प्रूफ नहीं है और इन कमियों को किस प्रकार से सुधारा जाता है तो इस टॉपिक में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं पहला हम आपका बात करेंगे किसके बारे में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है मैं एक छोटा सा हाईलाइट दूंगा आपको आधार एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस सिस्टम की कमियां क्या है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बताई है मैं आपको बताऊंगा उसके समाधान क्या क्या बताए हैं ठीक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और मैं बताऊंगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो क्या होता है सो so, ये पांच ब्रॉड एस्पेक्ट जो है ना इस टॉपिक के अंदर में वी आर गोइंग टू कवर ठीक है गुड मॉर्निंग एवरी सो ये हम चीजें क्या करने वाले हैं कवर करने वाले हैं सो so, ये आया हुआ था दोस्तों आपका इंडियन इंडियन एक्सप्लेन एक्सप्रेस के सेक्शन के अंदर में एंड दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं तो इट कम्स फ्रॉम जीएस पेपर टू इशू अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज की पॉलिसी डिजाइन क्या है क्या चीजें हैं ठीक है जीएस पेपर दो पॉलिटी वाले सेक्शन से आपका है कंट्री के जो टॉप एजुकेट टॉप एजुकेटर कह रहा हूं मैं टॉप ऑडिटर ने जिसका नाम है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल उसने अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यू जो है उसको अभी उसकी स्ट्रिंग को खींचा है उसकी स्ट्रिंग को पुल किया है बोला है कि आप जो है वो डेटा मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रहे आपका डेटा मैनेजमेंट एफिशियंट नहीं है आप डेफिशियंट डेटा मैनेजमेंट कर रहे हो आपके प्रॉब्लम में आपके सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो अभी देश के शीर्ष लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कमी डेटा प्रबंधन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की खिंचाई की है थोड़ा सा अभी तक मैं आपको बता दूं आप अब जब आप देखते हो तो अभी का मतलब आज में नहीं बात नहीं कर रहा मैं अक्टूबर 21 तक तक 31 तक की बात कर रहा हूं जो लास्ट डेटा है हमारे पास 31 अक्टूबर 2021 हजार इक्कीस तक आपकी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने लगभग लगभग आपका एक, एक करोड़ आधार नंबर जो है वो इशू ये कर चुका है इतने आधार का नंबर ये इशू कर चुका है सर है क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या तो पहली बात बता दो हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ठीक है या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ये एक एजेंसी है है जो किसके अंदर में काम करती है? भारत सरकार में केंद्र सरकार के अंदर में काम करती है इट इज एजेंसी अंडर द दि अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका काम क्या है दोस्तों इसका काम है कुछ डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे देश के जो रेजिडेंट हैं इसके अंदर डिफ़ाइन किया है कि रेजिडेंट कौन है देश के अंदर तो जो देश के रेज, रेजिडेंट हैं उन रेजिडेंट का बायोमेट्रिक उनका आपका इंफॉर्मेशन या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसके आधार पर आपको एक आधार नंबर देना सिक्सटीन डिजिट का आधार नंबर देना ये इसका काम है तो इट इज मैंडेटेड टू कलेक्ट अ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री रेजिडेंट स्टोर द डेटा इन द सेंट्रल एंड इशू ईच ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री अ डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन ट्वेल्वेंटिफिकेशन हम आधार नंबर कहते हैं मेरी बात समझे टोटल इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि आपका डेटा कलेक्ट करेगी जो भी भारत के रेजिडेंट है उनका भारत के निवासियों का जनसंख्यकीय और बायोमेट्रिक जनसांख्य मतलब कहां रहते हैं ठीक है कहां क्या एड्रेस है ठीक है एड्रेस प्रूफ ये सारी चीजें जो है यहां पर इसके अंदर में देखी जाती है ठीक है तो ये सारी डेटा गैदर करती है और बाद में आपको एक ट्वेल्थ डिजिट का क्या कर देती है आधार नंबर जो है वो आपको दे देती है ये इसका बेसिकली काम है

प्रॉब्लम क्या है दोस्तों विद यू आई डी ए आई इसके साथ इशू क्या है वो आपको समझना पड़ेगा तो सबसे पहला इशू है डेटा मैचिंग का सबसे बड़ा इशू जो है कंट्रोलर कंट्रोल जनरल ने बताया डेटा मैचिंग की दस साल हो गए आधार सिस्टम को रोल आउट किए हुए फिर भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दो आदमियों का ना डेटा सेम है मतलब आधार कार्ड का जो डेटा है बायोमेट्रिक डेटा है वो सेम है जो यूनिक आपका आधार नंबर होता है उस आधार नंबर पे दो या तीन सिमिलर डेटा है बायोमेट्रिक डेटा है आयरिस स्कैन सेम है ठीक है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहां पे देखी गई है कि 10 साल के बाद में भी दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं या तो डेटा सेम है या जो आपका आधार नंबर है उसके हिसाब से जो सिस्टम में आपका डेटा होना चाहिए आयरिस स्कैन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स वो आपका है ही नहीं वो किसी और का है ठीक है दूसरी बात ऑथेंटिकेशन में क्या होता है एरर होता है ऑथेंटिकेशन क्या होता है जैसे आप बैंक में केवासी कराते हैं तो आजकल हर जगह आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो आधार कार्ड का जब नंबर डालते हैं ना तो उनको बाकी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाकी फिर डायरेक्ट ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है जैसे बैंक में KYC आपको अपडेट करनी है तो आधार कार्ड मांगते हैं ठीक है पहले कई सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे अब सिर्फ आधार दे दो क्योंकि आधार सिर्फ इसलिए मांगते हैं क्योंकि आधार नंबर जो है ना उसके साथ ऑलरेडी आपका आई स्कैन आपकी फिंगरप्रिंट्स आपकी डेमोग्राफी जो इंफॉर्मेशन है आपकी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्म

वो ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है तो आप आधार नंबर ले लिया ना तो मतलब क्या है ना आपने सारी चीज ऑलरेडी ले ली है ना तो इस आधार के ऊपर है।, है? है, तो है।, है, है, है ना तो एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो बाकी डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे आप आधार के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन कर रहे हो ऑथेंटिकेट कर रहे हो और आधार के अंदर में भी इंफॉर्मेशन गलत है ठीक है सो इट हैज बीन एब्सेंस ऑफ सिस्टम <laughs> दूसरा प्रॉब्लम शौ, देखो यार काम क्या है UI, 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 का? कि लोगों की बायोमेट्रिक और आपकी जो जनसंख्यक इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके स्टोर करना तो आपको एक स्टोरेज पॉइंट तो बनाना पड़ेगा है ना आरकाइव बनाना पड़ेगा ना जहां पर आप सारी चीजों को स्टोर कर सको यूआईडीआई के पास में ऐसा कोई भी आर्काइव नहीं है जो सबसे बुरी बात है अगर डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर में सबसे अच्छी चीजों की बात करें जो बेस्ट डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपके पास एक आर्काइव होता है लेकिन यहां पर कोई भी आर्काइव जो है यू यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में नहीं है तो इट डिड नॉट है डेटा आर्काइव पॉलिसी विच इज कंसिडर्ड अ वाइटल स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस सो इसके पास संग्रह की कमी है डेटा संग्रह की नीति इसके पास नहीं है ठीक है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तीसरी बात चौथी बात क्या है दोस्तों डिप्राइव द रेवेन्यू रेवेन्यू का मतलब क्या है आपको क्या लगता है ये फ्री में सेवा दे रहे हैं देखो जब सरकार ने इसको बनाया था तो इसके बिल के अंदर में एक प्रोविजन है कि जैसे बैंक के अंदर में आप ऑथेंटिकेशन कराते हैं कोई भी चीज करते हैं ना तो आईडी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड लेते हैं अब आधार कार्ड से क्या होता है आपका डेटा मैच किया जाता है ठीक है आपकी आइडेंटिटी मैच की जाती है सो इस ऑथेंटिकेशन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया चार्ज करती है पैसा लेती है भाई आपको आधार कार्ड मिल गया अब आधार कार्ड के बदले में जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है ऑथेंटिकेट करता है कि ये बंदा सेम है कि नहीं है और इसके लिए वो क्या करती है चार्ज लेती है अलग अलग किससे दोस्तों जो भी है मतलब बैंक है या कोई अदर कंपनी है उनसे वो क्या करती है चार्ज लेती है पैसा लेती है लेकिन अभी तक ये काम जो है वो फ्री में हो रहा है समाज सेवा पे हो रहा है है ना तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बिल है आधार बिल उसमें बोला गया है कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए क्या लोगे पैसा लोगे जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा लेकिन ये तो काम क्या कर रहे हैं फ्री में कर रहे हैं ये काम समाज सेवा में चल रहा है दोस्तों टिल मार्च दो तक इन्होंने कहा था कि फ्री ऑफ चार्ज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे उसके बाद हम ऑथेंटिफिकेशन के क्या लेंगे पैसे लेंगे बट अभी तक ये जो चीजें हैं ना ये ऐसे कैसे चल रही हैं और गवर्नमेंट को एक जो मेजर नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू से क्या हो रही है डिप्राइव हो रही है अब एक और प्रॉब्लम है जो इसमें मैंने नहीं लिख पाया मैं मैं आपको बता देता हूं मुझे ध्यान नहीं रहा एक और प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों वो प्रॉब्लम ये है कि आप ये मान के चलो जो इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक प्रोविजन है ठीक है कहने का मतलब क्या है जब आप आधार कार्ड लेने जाते हैं एनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाता एक सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है कहने का मतलब है मैं जाऊंगा जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मैं वो दूंगा और मैं खुद सर्टिफाई करूंगा कि हाँ जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं ही हूँ अब वो भले ही गलत भी हो सकता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको क्रॉस चेक नहीं करती है ना और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो सेल्फ सर्टिफिकेशन हम करते हैं उसकी वजह से दोस्तों ये प्रूफ नहीं है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि वास्तव में जो व्यक्ति आधार कार्ड का नंबर ले रहा है वो वास्तव में भारत का रेजिडेंट है भी या नहीं है तो कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि भाई आपने आधार कार्ड ले लिया और वो रेजिडेंट ही नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है तो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने इन सारी कमियों को दूर करने के लिए ना कुछ समाधान भी बताए हैं कुछ उपाय बताए हैं और वो उपाय क्या बताए पहला रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दिया है कि आप जो है ना वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है उसको सख्त करो थोड़ा टाइट करो है ना आप इनसे चार्ज लिया करो ऑथेंटिफिकेशन का साथ ही साथ में आप ये इंश्योर करो कि जिसके साथ भी आप डेटा शेयर कर रहे हो वो लीक ना हो इसके लिए आपको अपनी जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कड़ा करना पड़ेगा सख्त करना पड़ेगा साथ ही साथ इन्होंने एक ऐसा कहा कि भैया आप जो डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं उसके लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन काफी नहीं है क्योंकि कई केसों में ऐसा होगा दोस्तों कि सेल्फ डिस्टर डिक्लेरेशन तो है ठीक है स्वय घोषणा प्रणाली तो है लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो फ्रॉड हो सकता है ठीक है वो फ्रॉड डेटा आपके सामने रख सकता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी डेटा वो ले रही है वो डेटा को वो क्या करे क्रॉस चेक करे और प्रयास करे कि ये देखने का कि वो व्यक्ति वास्तविकता के अंदर में क्या है भारत का रेजिडेंट है ट वे टू कैप्चर होते हैं है उनकी बायोमेट्रिक्व नहीं होती उनका जो रेटिना स्कैन है अगर आप कर लोगे वो बदल जाएगा पांच साल से पहले आप करवाओगे ना बाद में वो बदल जाएगा उनके फिंगरप्रिंट जो है वो बदलते हैं ऐसा कहा जाता है तो इसीलिए पांच साल से कम के वह जो बच्चे होते हैं ना उनका आधार कार्ड इतना इफेक्टिव नहीं होता तो इसीलिए अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंट्रोल एंड डे जनरल की सलाह दी गई है इन्होंने कहा है कि काम करो ना अभी यार कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना लो ठीक है चलो हम मानते हैं इससे आपका काम नहीं चल रहा बट एक काम करो इसके अलावा भी आप क्या करो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना लो और उस सिस्टम के माध्यम से प्रयास करो कि आप ये क्या करो ये सब चीजें कर सको कि जो पाँच साल से छोटे बच्चे हैं उनका भी आप क्या कर सको ऑथेंटिफिकेशन कर सको ये यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पॉइंट जो है वो रखा है इट शुड फ्रेम अ सुटेबल डेटा आर्काइवल पॉलिसी मैंने बताया डेटा आर्काइव बनाओ भाई डेटा संग्रह की एक पॉलिसी होनी चाहिए डेटा सुरक्षा के लिए ठीक है और भेदता जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त डेटा अभिलेखी नियुक्ति आपको तैयार करनी पड़ेगी मान के चलते हैं अभी देखो चाइना ने आपको पता है फिर से एक साइबर अटैक किया है नॉर्थ इंडिया के अंदर में दो बड़े जो पावर स्टेशन है उसको हैक करने का प्रयास किया और ये मतलब जरूर चलता रहेगा आज की जो मतलब ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर में ना साइबर अटैक एक कॉमन प्रॉब्लम है ग्लोबल प्रॉब्लम है और ऐसे में मान लो किसी ने अटैक करके सारा डेटा निकाल लिया या सारा डेटा डिलीट कर दिया तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी तो ऐसे में उसके पास एक डेटा आर्काइवल पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए ठीक है जिससे वो डेटा प्रोटेक्शन को क्या कर सके इंश्योर कर सके इसके अलावा कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर एक के अंदर में आपको कंट्रोल ऑडिटर जनरल की बात बताई गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंदर में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड करता है किसका कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कैक का, का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस जो है प्रोवाइड करता है कैग जो होता है दोस्तों वो इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट का इंडियन ऑडिट एंड एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है इज वन ऑफ द बुलवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया जो भारत की डेमोक्रेसी है भारत का जो लोकतंत्र है उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल इज अ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भारत की डेमोक्रेसी के जो चार पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर है ये आपका क्या आपका कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल सो ये आर्टिकल 148 के अंदर इसका प्रोविजन है ठीक है ये इंडिया का जो पब्लिक पर्स है इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ठीक है वो सार्वजनिक पर्स का क्या होता है संरक्षक होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को

तो ये प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं कि उन सारी चीजों को ये फाइनेंशियल मैटर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करें अपहोल्ड करें ये इनका क्या होता है दोस्तों काम होता है ठीक है अच्छा काम है इनका इंपॉर्टेंट काम है फाइनेंशियल मैटर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना ये इनका काम है चलिए बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च के अंदर रिलेटेड सर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको क्या लगता है रिलेटेड सर्च के हिसाब से सर आपको यहां पर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको यहां से देखनी चाहिए फ्रॉम द रिलेटेड सर्च ऑफ सर्च पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है उसके हिसाब से आप क्या क्या है? यहां पर देख सकते हो चलिए लेट्स पहले दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ऑफिस ऑफ कैग आप एक काम करना ये आर्टिकल 48 वाला जो है ना प्रोविजन एम लक्ष्मीकांत की किताब जो है ना ठीक है उसके अंदर में पूरा इसके बारे में बताया हुआ है ठीक है कैग के बारे में छोटा सा है दो पेज या तीन पेज का है मैक्सिमम तो एक बार उसको पढ़ लेना उसको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा बाकी मैंने ये मैंने बता ही दिया साथ साथ में आपको पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हो आधार के ऊपर में कंट्रोवर्सी क्या क्या है ठीक है ठीक जैसे सरकार ने कई बार कोशिश की है कि ऐसे कानून बनाए जाए कि भैया अगर आपको गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के अंदर में हिस्सेदारी करनी है तो आपको आधार नंबर जो है वो आपके पास होना जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई वेलफेयर स्कीम के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक नहीं है तो समय समय पर इस चीज को चैलेंज किया जाता है इवन वैक्सीन के अंदर में भी एक प्रोसीडिंग एक पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपको याद हो तो दूसरा इसे प्राइवेसी को खतरा जो है ये दो पॉइंट हाईलाइट किए जाते हैं तो मेन्स परस्पेक्टिव से आधार वर्सिज प्राइवेसी एंड आधार वर्सिज वेलफेयर स्कीम ठीक है जो गवर्नमेंट का प्रोपोगंडा था इसके ऊपर आपसे सवाल मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं तो मेंस के अंदर वहां से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है प्रिलिम्स में मैं बात करता हूं तो आपसे नॉर्मल यार सिंपल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेगा कैसे काम करती है किस कैंडर में काम करती है किस काम के द्वारा बनाया गया आपसे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जो अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कमियां बताई गई थी और क्या समाधान बताए गए थे आपसे पूछा जा सकता है आपसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा जा सकता है कि कैग जो है वो होता क्या है कौन होता है है ना कौन अपॉइंट करता है कैक को और इसकी पावर क्या होती है ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझनी है आपको समझ आ रही बात दोस्तों हाँ मुझे देखो मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ ठीक है जो फिंगरप्रिंट की आप बात कर रहे हैं ठीक है ठीक है जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था तो मैंने वो बताया ठीक है सो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ प्रियंका बिल्कुल भी आप में भी एक्सपर्ट हैं इस चीज के आई एम नॉट एक्सपर्ट द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया हुआ था जो वहां लिखा हुआ था तो मैंने वो बता दिया ठीक है वो मैंने वहां पर क्या किया बता दिया मैंने नॉर्मल एक एक जनरल अपना आईक्यू रखा है कि छोटा बच्चा होता है बड़ा होता है ठीक है तो बड़े होते हैं तो उसके सारे फिजियोलॉजिकल ट्रेट क्या होते हैं चेंज होते हैं छोटा बच्चा बिल्कुल उसके बाद वो जो जन्म लेता है तब तो मतलब एक मास का टुकड़ा होता है ना धीरे धीरे उसके अंदर ट्रेट डेवलप होते हैं ठीक है तो मैंने उस आधार पर कहा बाकी हो सकता है आप सही बोल रहे हो ठीक है और हो सकता है आप भी गलत बोल रहे हो ठीक है उसके अंदर में शोर नहीं हूं बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो आधार, आधार का जो मेटा डेटा होता है उसको आप तीन महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते स्टेट नॉट एंटर इन एनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा राज्य जो है वो किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिससे वो आपका आधार डेटा शेयर करेगा आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह रहा है आधार अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो मैंडेटरी है आप बिना इसके इंश्योरेंस नहीं ले सकते आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो केंद्रीय जो भारत का राजस्व है अगर कोई ऐसी स्कीम है जो भारत के राजस्व से उसको पैसा मिलता है तो कह रहा है कि ऐसी स्कीम के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है? थैंक यू अभय कुमार थैंक यू यार थैंक यू दोस्त इसका बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा विच ऑफ गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट देखते हैं कितने बच्चे इसमें सही जवाब दे पाते हैं फटाफट बताइएगा

सरकार तो स्टोर कर रही है अच्छा स्टेट कैन नॉट एंटर इंटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग द आधार डेटा कर सकती है भाई गवर्नमेंट कर सकती है गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कर सकती है मैंडेटरी अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना मैंने कहा था ना आपको सरकार ऐसा कोई रूल बना ही नहीं सकती ठीक है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आप कोई और चीज दे दो तो हो जाएगा और ये जो बात है ये सरकार ने कानून पास किया था कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी स्कीम फंडेड है उसके अंदर आपको बेनिफिट लेना है तो आप करोगे तो बी इज द करेक्ट आंसर इसमें बी क्या था सही जवाब था जो मैक्सिमम बच्चों ने सही बताया ठीक है चलिए पे आ जाते हैं ठीक है स्पेसिफिक पे आ जाते हैं दोस्तों ठीक है main specific पे आ जाते हैं मेन्स के लिए क्या है डिस्कस द पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल ऑडिटर जनरल इंडिया भारत के अंदर नियंत्रक महालेखिक परीक्षक कि शक्तियों कार्यों और जिम्मेदारियों पर आपको क्या करनी है चर्चा करनी है ठीक है सो दिस इज द मेन स्पेसिफिक टॉपिक आपको पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की इंडिया की उसके बारे में बताना तो ये मेन स्पेसिफिक रहेगा हमारा चलिए एक ऑफर है अभी जो चल रहा है दोस्तों गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है थैंक यू प्रियंका गोयल इट्स लाइक ह्यूज मतलब इट्स इट मीन्स अ लॉट टू यार अगर ऐसी बात है तो मेरा मतलब थैंक यू वेरी मच यार पूनम थैंक यू थैंक यू तो ईस्टर डे स्पेशल ऑफर है देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट सिक्स मंथ फ्री आप सिक्स मंथ का क्या मिल रहा है आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं मेरा कोड क्या है सुमित टेन सुमित टेन मेरा कोड होगा इसको आप यूज कर सकते हैं यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड साथ साथ में इसमें आपको दोस्तों पूरा का पूरा मेरा गाइडेंस भी रहेगा अगली टॉपिक जो है बात करते हैं इंडोनेशियन पाम ऑयल क्राइसिस आपको पता है दोस्तों इंडोनेशिया ठीक है पाम ऑयल प्रोडक्शन के अंदर में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी था ये पाम ऑयल को बहुत प्रोड्यूस पाम ऑयल इज बेसिकली वेजिटेबल ऑयल सब्जियों का तेल है मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो बड़े देश हैं जो पूरे पाम ऑयल को क्या करते हैं पूरे पाम ऑयल की सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं वैसे जो पाम ऑयल का पौधा है ना ये अफ्रीका से था ठीक है इसको एक एज अ डेकोरेटिव प्लांट नहीं लेके आते हैं तो डेकोरेटिव प्लांट इसको मलेशिया इंडोनेशिया में लेके गए थे बट यहां पर इस प्लांट की बाद में खेती होने लगी और आज ये डोमिनेंट सप्लायर है पूरी दुनिया के अंदर ये दो देश जो पूरी दुनिया को पाम ऑयल सप्लाई करते हैं भारत भी अपनी जो पाम ऑयल की नीड है वो सबसे ज्यादा एक टाइम पे टाइम ताँप ऐसा था जब इंडोनेशिया से हम क्या करते थे इंपोर्ट करते थे बट अब इंडोनेशिया की जगह हमने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है अब इंडोनेशिया की जगह हम कहाँ चले गए हैं दोस्तों अब हम मलेशिया की तरफ शिफ्ट कर गए अब मलेशिया हमारा लार्जेस्ट इम्पोर्टर है जहाँ से हम सबसे ज्यादा आपका पाम ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है आप समझिए मेरी बात दोस्तों देखो सब्जियों का जो मतलब जो आपका सब्जियों का जो तेल होता है ठीक है जिसको हम बोलते हैं आपका वेजिटेबल ऑयल भारत ना उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर है हम इंडिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो हम जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स है वेजिटेबल फैट कंज्यूम करना पसंद करते हैं अब इन वेजिटेबल फैट्स के अंदर में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वेजिटेबल ऑयल्स में वो आपका यूज होता है आपका पाम ऑयल तो इंडिया में हम सबसे ज्यादा पाम ऑयल यूज करते हैं दूसरे नंबर पर हम यूज कर, जो करते हैं दोस्तों वो है आपका आई थिंक सोयाबीन है या सनफ्लावर है और तीसरे नंबर पर जो है या तो सोयाबीन दूसरे पे है या तीसरे पे है मेरे को एग्जैक्ट ऑर्डर याद नहीं है बट पाम ऑयल पहले पे है दूसरे पे सनफ्लावर मान लो और तीसरे पे सोयाबीन मान लो अब जो सनफ्लावर ऑयल है सूरजमुखी का जो तेल है यार वो तो ज्यादातर कहां से आता है वो तो ज्यादातर या तो यूक्रेन से आता है और या रशिया से आता है और दोनों में वॉर की वजह से आपका जो सनफ्लावर ऑयल है उसके अंदर अंदर में बहुत सीवियर डिसरप्शन है उसकी सप्लाई के अंदर. तो वो गड़बड़ होने वाली है क्योंकि सत्तर से 80 परसेंट तक पूरी दुनिया के अंदर में जो सनफ्लावर ऑयल है वो कौन एक्सपोर्ट करता है रशिया और यूक्रेन अब वो आ नहीं रहा तो दूसरा पाम ऑयल बचता है पाम ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो पाम ऑयल हम मंगवाते हैं कहां से इंडोनेशिया में और मलेशिया में उनके अंदर में यार ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है ठीक है उनके अंदर में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है उनके पास खुद नहीं है क्योंकि उनके पास डोमेस्टिकली इस चीज की क्या चल रही है बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये भारत के लिए भी इसका कंपाउंडिंग इंपैक्ट जो है देखने को मिल सकता है भारत जैसे वेजिटेरियन देश के लिए जिसके लिए वैसे ही वेजिटेबल ऑयल जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है हम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर देशों से क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं काफी हैवी इंपोर्टबिल हमारा बनता है बट स्टिल अभी उसमें कमी होने वाली है दैट इसका प्राइस जो है अगेन आपका क्या करने वाला है दोस्तों बढ़ने वाला है अब इस समस्या को कैसे रिजोल्व किया जाएगा इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है तो चलिए इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं इंडिया पाम ऑयल क्राइसिस भारत का पाम ऑयल क्राइसिस क्या है ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर आया हुआ था सो आई थॉट आपको बताना चाहिए मुझे मुझे आपको इसको पढ़ाना चाहिए दैट्स वी आर डिस्कसिंग इट तो जो पाम ऑयल है जीएस पेपर दो का है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंटरेस्ट वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का ठीक ठीक है 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 उसको खुद डोमेस्टिक शॉर्टेज चल रही है, आप, आप देखोगे ना तो इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर था आज उसके पास खुद देश के अंदर में पाम ऑयल की कमी है पड़ रही है और इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़े दिनों पहले इंडोनेशिया की सरकार के कुछ फैसले थे वो फैसले गलत हो गए जैसे पहला फैसला क्या था इन्होंने एक्सपोर्ट को क्या कर दिया ठीक है इन्होंने ठीक है आपका एक्सपोर्ट के ऊपर कर्ब लगा दिया कंट्रोल कर दिया ठीक है इन्होंने कहा कि जो भी एक्सपोर्ट करेगा कर रहा है जो आप क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 20 परसेंट आपको डोमेस्टिक बेचना पड़ेगा पहली बात दूसरा इन्होंने क्या कहा इनका ये मानना था ये जो क्रूड ऑयल मंगवाते थे कच्चा तेल ये उसकी डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे इसीलिए इन्होंने क्या किया जो कच्चे तेल के अंदर में ब्लेंडिंग स्टार्ट की क्रूड ऑयल की इन्होंने कहा कि हम 30 परसेंट तक इसके अंदर में ब्लेंडिंग करेंगे तो वो एक बड़ी बात थी ठीक है जो इनका बायोफ्यूल प्रोग्राम था वो एक एम्बिशियस प्रोग्राम था इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्राइस कंट्रोल चीजें की जिससे यहां पर शॉर्टेज होगी लोगों ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया होल्डिंग स्टार्ट कर दी और आज इंडोनेशिया की मार्केट से पाम ऑयल गायब हो रहा है है तो है इंडोनेशिया में अभी भी लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों लोग उसको क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं ठीक है ये बात आप बताइए हाँ है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रियंका इंडिया ईयर बुक है वहां से लगा लो ठीक है या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है वहां से जाके देख लो और इसका तो एक वो है भी देखो मैं आपको भेजता हूं मैं इसमें ना लगाना भूल गया कि कितना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कहां से करते हैं कितना कि, किससे मंगवाते हैं ना मैं ना भूल गया उसको करना मैं आपको एक काम करता हूँ ना टेलीग्राम पे देता हूँ रुकिए मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में ठीक है आप लोग एक बार देख लोगे टेलीग्राम ओपन करके ना आप लोग देख लेना कि कितना जो है हम यहाँ पर शेयर करते हैं ठीक है मैंने आपको बता दिया ठीक है ये हमारा इंडिया का इम्पोर्ट है पाम ऑयल का लैक्स टन के अंदर 2021-22 का जो मैं डेटा बता रहा हूँ ठीक है वो है इंडोनेशिया से हम इक्कीस दशमलव सत्ताईस लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया अब सेकंड पे आ गया अट्ठाइस ज्यादा वही भेज रहा है उसके अलावा अगर हम बात करें ठीक है रिफाइंड पाम ऑयल क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल दो प्रकार के होते हैं तो रिफाइंड पाम ऑयल जो मंगवा रहे हैं वो सिक्स मंगवा रहे हैं ठीक है तो उसमें अभी भी इंडोनेशिया लीडिंग उस पर पोजिशन के ऊपर है बट हिस्टोरिकली अगर आप चेक करोगे तो इंडोनेशिया हमारा मेजर एक इंपोर्टिंग डेस्टिनेशन था हम सबसे ज्यादा जो पाम ऑयल था हम वहीं से मंगवाते थे तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी मैंने आपको डेटा भेज दिया है एक बार चेक करो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैंने डेटा डाल दिया है ठीक है मैं भूल गया इसमें लगाना उसको अब ये रीजन क्या है सर क्रूड ऑयल क्राइसिस के इंडोनेशिया में पहली बात है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया एक सीलिंग प्राइस कैप लगा दिया मतलब रिटेल के अंदर आप इतने दाम पे ही बेचोगे इससे ऊपर दाम पे आप जो है पाम ऑयल नहीं बेच सकते इन्होंने कैप लगा दी रिटेल प्राइस के ऊपर किससे ज्यादा रिटेल प्राइस नहीं होगा पहली बात। दूसरा ये जो प्राइस कैप लगी ना इससे दोस्तों धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि अभी माल बहुत सस्ता है तो हमें मार्केट में शॉर्टेज करनी पड़ेगी क्योंकि तो जितना माल शॉर्ट आएगा मार्केट के अंदर फिर उतनी ही उसका क्या होगा डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम है ठीक है तो उसका दाम भी उतना ही क्या करना लगेगा बढ़ाई बढ़ने लगा प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगेगा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को कंपलसरी कर दिया कि जितना तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका बीस जो है ना तुम्हारी प्लांट शिपमेंट का तुम्हें डोमेस्टिक मार्केट में देना पड़ेगा मतलब जो भी आप एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हो सोच रहे हो उसका बीस परसेंट तुम्हें डोमेस्टिक मार्केट में उतारना पड़ेगा बेचना पड़ेगा इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि सिंस 2020 इन्होंने कहा कि 30 परसेंट हम क्या करेंगे पाम ऑयल को ब्लेंड करेंगे किसके साथ कच्चे तेल के साथ क्रूड ऑयल के साथ ये फैसला तो अच्छा था क्योंकि कोई भी देश जो है जिसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है कच्चे तेल पे जैसे भारत भी है हमें भी कच्चा तेल बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है और अगर हम कच्चे तेल के अंदर में कोई ब्लेंडिंग का सोर्स ढूंढ लेते हैं जैसे इन्होंने ढूंढ लिया कि थर्टी परसेंट पाम ऑयल ब्लैंड करेंगे तो तीस परसेंट जो कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट होता है उसका खर्चा बच जाएगा ठीक है तो इन्होंने सोचा तो अच्छा था इनकी एक एम्बिशियस बायोफ्यूल प्रोग्राम था इन्होंने कहा थर्टी परसेंट हम ब्लैंड करेंगे डीजल के साथ पाम ऑयल के साथ इसने इन्होंने इसको मैंडेटरी किया और ताकि जो आपके इनके यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट करते हैं जीवाश्म ईंधन वो कम हो सके उसका इंपोर्ट थोड़ा कम हो सके उसके बाद आपको पता है दोस्तों आजकल तेल के भाव बढ़ने के पीछे कारण क्या है दोस्तों सप्लाई साइड डिस्कप्शन भी है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर में एक जो मेजर आपका ऑयल है वेजिटेबल ऑयल जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों जिसका नाम है आपका सनफ्लावर ऑयल और ये सनफ्लावर ऑयल जो आता है वो कहाँ से आता है दोस्तों ये आता है यूक्रेन से और रशिया से और वॉर के चलते दोस्तों दोनों में यहाँ पर क्या चल रही है प्रॉब्लम अस्सी जो है दोनों यूक्रेन और रशिया से आता है और ये दोनों अभी सप्लाई कर नहीं रहे दोस्तों तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है इससे क्या हो रही है एक बड़ी प्रॉब्लम अब सर इंपैक्ट क्या क्या है है ऑन इंडिया इंडिया भारत पर इसके प्रभाव क्या है? देखो इंडिया जो ना दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है कह रहा है कि टोटल इंपोर्ट जो हमारा चौदह से पंद्रह मिलियन टन का जो इंपोर्ट है उसके अंदर में हाइएस्ट शेयर है पाम ऑयल का सबसे ज्यादा हम पाम ऑयल मंगवाते हैं उसके बाद हम सोयाबीन का तेल मंगवाते हैं और फिर हम क्या इंपोर्ट करते हैं दोस्तों आपका सनफ्लावर तो देश के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल आता है उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है दोस्तों पाम ऑयल का और पाम ऑयल अब मिलेगा नहीं हमें ठीक है क्योंकि इंडोनेशिया में खुद क्राइसिस चल रहा है और इंडोनेशिया से कुछ ना कुछ करके फिर भी हम बीस लाख जो है आपका क्या था बीस था या कितना था उतना हम पाम ऑयल वहाँ से मंगवा रहे हैं तो वो डोमेस्टिकली इनके यहीं प्रॉब्लम चल रही है तो हमारे यहाँ भी नहीं आएगा है ना इंडियो जो इंडोनेशिया है वो हमारा टॉप सप्लायर था पाम ऑयल का बट 2021-22 के अंदर में हमने ज़्यादा मलेशिया से लेना स्टार्ट कर दिया अब हम इंडोनेशिया से कम लेते हैं पाम ऑयल अब हम इनसे ज़्यादा लेते हैं अब ये बात इंडोनेशिया गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि यार ऐसे करने से तो देश के लिए दिक्कत हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी तो इन्होंने भी अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव किया है क्या बदलाव किया है सबसे पहले इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने जो रिटेल प्राइस कैप था मतलब इतने ज्यादा से आप प्राइस नहीं रखोगे वो बैन इन्होंने हटा दिया है ठीक है साथ साथ में जो थर्टी परसेंट इनकी मार्केट सेल ऑब्लिगेशन थी डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लीगेशन कि आप जो जितना बेच रहे हो उसका तीस परसेंट आपको डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा वो उन्होंने हटा दिया बदले में इन्होंने क्या किया कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो पाम ऑइल को जनरली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी जाती है लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दिया कि जितना आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे उतना ही आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा जितना आप एक्सपोर्ट कम करोगे उतना कम एक्सपोर्ट देना पड़ेगा तो सरकार ने क्या कर दिया इसके ऊपर प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव कि आपकी क्वांटिटी बढ़े तो आपकी टैक्स की अमाउंट भी उसके साथ साथ बढ़े तो इन्होंने क्या किया प्रोग्रेसिव टेक्सटेशन टेक्स इसके ऊपर जो है इंपोज कर दिया द रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट इवन इन द फॉर्म ऑफ लेवी टेक इन टू कॉगनीजेंस इंडोनेशिया प्रोग्राम ये जो फैसला किया गया है ना प्रोग्रेसिव टेक्सटेशन का ये इनका जो, जो, जो बायोफ्यूल प्रोग्राम मतलब होता है खाने और वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका वनस्पति तेल है, है ना? देखो, भारत देश के अंदर में हम ज्यादातर वेजिटेरियन लोग हैं तो इसीलिए हम वेजिटेबल ऑयल्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल फैट

पूरी दुनिया की आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट केवल दस परसेंट भूमि पे हम पाम ऑयल उगा रहे हैं और वो दस परसेंट आपकी पैंतीस परसेंट वेजिटेबल ऑयल की नीड को पूरा कर रहा है तो कहने का मतलब ये एफिशिएंट क्रॉप है भाई जो टोटल एरिया है उसका मात्र दस परसेंट ले रहा है और साथ साथ में आपको पैंतीस परसेंट की आउटपुट दे रहा है तो अच्छा सौदा यार इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ताड़ का तेल है ये अविश्वसनीय रूप से क्या है दोस्तों कुशल फसल है जो किसी भी अन्य समकक्ष वनस्पति तेल की फसल की तुलना में प्रति भूमि क्षेत्र में अधिक तेल का उत्पादन करती है जो केवल 10 प्रतिशत दुनिया की भूमि में 35 परसेंट वनस्पति तेल जो है इसकी मांग को पूरा करने का काम कर रहा है तो बहुत ही एफिशियंट फसल है बहुत ही अच्छी फसल है दोस्तों ये हम देखने वाले अच्छा दो तरीके के पाम ऑयल होते हैं एक तो होता है क्रूड पाम ऑयल ठीक है और दूसरा होता है रिफाइंड जिसको कैर्नल भी बोलते हैं ठीक है तो दो प्रकार के पाम ऑयल जो है यहाँ पे होते हैं पहला मैंने बताया क्रूड पाम ऑयल ठीक है और दूसरा है आपका जिसको ऑयल भी बोलते हैं या रिफाइंड ऑयल बोलते हैं पाम ऑयल जो होता है ना ये एक्सट्रीमली आपका वर्सेटाइल होता है है ना इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है एंड ये आपका पचास जो है वो पैक्ड ही आपको मिलता है पाम ऑयल इज एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल ऑयल दैट दैट हैज हैज बीन मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड इज प्रेजेंट इनली फिफ्टी परसेंट पैकेज ठीक है ऑयल पाम ट्री के बारे में बात करते हैं अब ये जो ऑयल पाम का पौधा है वास्तविकता में ये मलेशिया और इंडोनेशिया का नहीं था मैंने बताया कि इट इज नेटिव टू द अफ्रीका है अफ्रीका में पाया जाता था इसको पहली बार साउथ एशिया में जब हम लेके गए थे ना दोस्तों सौ साल पहले ही लेके गए थे तो तब हमने सोचा था कि यार ठीक है एक डेकोरेटिव पौधा है ठीक है देखने में अच्छा लगता है तो एक काम करते हैं इसे डेकोरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा क्या कर लेते हैं इसे डेकोरेशन कर लेते हैं तो ये हमारा पर्पज था इसको करने का ठीक है सो so ये हमारा क्या था दोस्तों पर्पज़ था इसको करने का कि हम जो कर रहे हैं इसको वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों एक डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम इसको कर रहे थे है ना हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेटिव पर्पज के लिए कर रहे थे बट बाद में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया वहां का और वहां से फिर आपको पता ही है दोस्तों आज ऐसा है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जहां पर ये ट्रिप पाम ऑयल पाया जाता है आपकी जो पिचासी परसेंट ग्लोबल सप्लाई है ना उसको पूरा कर रहा है बयालीस अदर कंट्रीज ऐसी हैं जो आपका पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं अकेला ऐसा मत सोचना कि तुम इंडोनेशिया और मलेशिया ही है इस एक इलाके की बादशाह ना भाई इसके अलावा भी बयालीस देश ऐसे हैं जो पाम ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं अच्छा पाम ऑयल की वेरीड एप्लीकेशन है एक एप्लीकेशन क्या है दोस्तों कि इसको जो आपके श्रृंगार की चीजें उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है लिपस्टिक के अंदर इस्तम, इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अच्छे से कलर को होल्ड कर लेता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट भी नहीं होता और साथ साथ में ये बिल्कुल टेस्टलेस है इसका कोई टेस्ट नहीं होता पाम ऑयल का अब बात करते हैं सर रिलेटेड सर्च हम क्या क्या करें अच्छा आपको, है, है? आपको इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार के द्वारा हमने एक नेशनल मिशन स्टार्ट किया है ठीक है आर यू अवेयर अबाउट दैट और नॉट ठीक है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है क्या है और वो क्या नहीं है इफेक्ट क्या हुआ है ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर भाई कोविड का क्या प्रभाव पड़ा है ठीक है ये जो तेल है वनस्पति तेल जो है, जो है है ऑयल सीड प्रोडक्शन क्या प्रभाव पड़ा वट कैन गवर्नमेंट डू मोर टू हेल्प आपको बताने थोड़ा सजेशन देना है खुद से सोच के कि हम जो ये प्रॉब्लम अभी आज हमारे सामने है इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखो इंडोनेशिया में क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और वहां से आएगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और डोमेस्टिकली प्रोडक्शन पे भी सरकार ध्यान दे रही है थ्रू दीज मिशन तो हमको इनको मिशन मोड में इंप्लीमेंट करके जल्द से जल्द जो इंश्योर करना चाहिए कि हम डोमेस्टिकली क्या कर सके इन चीजों के लिए सेल्फ रिलायंस हो सके आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रलिम्स में आपसे क्या पूछा सकता है देखो सिंपली पूछ सकते हैं कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कितना है ये ऑयल इंपोर्ट एडिबल ऑयल इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं भारत में हम कितना उगाते हैं डोमेस्टिक कितना प्रोड्यूस करते हैं इंडोनेशिया in का जो ऑयल क्राइसिस है इससे सवाल पूछा जा सकता है इस क्राइसिस के भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं है in है? है? संबंधित चैलेंजेस कौन कौन से हैं एंड मोनोकल्चर क्रॉप ठीक है सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रिलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं ठीक है सो so ये टॉपिक्स इन दिलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है डन आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूपीएससी क्वेश्चन यूपीएससी के लिए एक सवाल पे बात करते हैं फॉलोइंग है, स्टेटमेंट है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा क्या है दोस्तों कम है पिछले पांच साल का डेटा बताया गया है गवर्नमेंट एनी कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज स्पेशल केस अब भारत में यार सब वेजिटेरियन है तो कह रहा है कि जब कोई देश से हम बाहर देश से इम्पोर्ट करते हैं कोई भी माल तो उसके ऊपर सरकार एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है बट वेजिटेबल ऑयल जो है ये जो पाम ऑयल है इसके ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती इसको एज अ स्पेशल केस ट्रीट किया जाता है चलिए बताइए मुझे देखते हैं कौन जो है इसके बारे में सही जवाब दे पाता है और कौन जो है वो नहीं दे पाता सो so, फटाफट बताएंगे जल्दी से आएंगे फटाफट बताएंगे इसका जवाब बताइए जल्दी से ए होगा ओनली वन बी होगा टू ओनली सी होगा बोथ वन एंड टू या डी होगा नाइदर वन नॉट टू ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सी जवाब दे रहे हैं ठीक है मेजॉरिटी सी पे आ रही है बहुत बढ़िया और बताइए चलिए चलिए कोशिश कीजिए प्रयास कीजिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सी बता रहे हैं ठीक है देखते हैं क्या सही होगा बट आप अपना आंसर बताइएगा फटाफट से मुझे इसका जवाब है दोस्तों ए ठीक है इसका जवाब है दोस्तों क्या ए है ठीक है सरकार विशेष मामले के रूप में इसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर रही है भाई और इस पर भी सीमा शुल्क जो है वो लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा इस पर भी सीमा शुल्क जो है लगाए जाते हैं बट हां कम लगाए जाते हैं उतना नहीं लगता जितना वाक्यों पे सरकार थोड़ा सा कम इसके ऊपर में सीमा शुल्क लगाती है ओके तो ओनली वन इज करेक्ट मेंस का सवाल बात करते हैं दोस्तों देखो ये भी बढ़िया सवाल है ठीक है दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मैं कह रहा हूं दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ये बेस्ट सवाल है हाउ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम विल हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन एडिबल ऑयल एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट हाईलाइट द इशू एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम अच्छा ये मैं आपसे बात कर लेता हूँ ठीक है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहला वाला तो बहुत आसान था उसमें तो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा गया था आप जब लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो उसमें से आप देख के उस आंसर को बहुत अच्छे से बना सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले सवाल की ठीक है ये जो सवाल है ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कैसे आप इसको लिखोगे मैंने आपको बताया देखो कोई भी सवाल जब हम लिखने जाते हैं तो हम इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन ठीक है इस प्रकार से हम उसके ऊपर में बात करते हैं इंट्रो के अंदर में ऑलवेज गो फॉर द कीवर्ड हम कीवर्ड पे जाते हैं यहां पर जो कीवर्ड है मेरे पास वो क्या है दोस्तों आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ठीक है एडिबल ऑयल और ऑयल पाम ये मेरे पास कीवर्ड है ठीक है या मेरे पास कीवर्ड क्या हो सकता है दोस्तों दूसरा कीवर्ड भी है और वो क्या है दोस्तों मेरे पास एडिबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल अब आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो देखो किसके बारे में आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो बता सकते हो आप देखो आप अगर एडिबल ऑयल या पाम ऑयल से शुरू करते हो तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा कि भारत जो है वो एक इंपोर्टर है हम इंपोर्ट करते हैं पिछले पाँच साल के अंदर में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कम रहा है जबकि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है इस प्रकार से आप शुरू करोगे ठीक है और इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे इंट्रो में कि भारत के अंदर में अगर हम देखें तो इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं वेजिटेबल ऑयल क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं अब इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर में इंडिया का प्रोडक्शन जो है पिछले पांच वर्षों के अंदर में हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है कम होता है और इस इंपोर्ट के अंदर में ज्यादातर मात्रा जो हमारी इंपोर्ट की होती है वो इंपोर्ट क्या करते हैं हम दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल पाम ऑयल के अलावा अगर हम बात करें तो वी ऑल्सो इंपोर्ट लाइक सोयाबीन ऑयल इम्पोर्ट करते हैं हम सोयाबीन का तेल भी इंपोर्ट करते हैं हम इसके अलावा जो है आपका सनफ्लावर ऑयल भी इम्पोर्ट करते हैं ठीक है तो अब बताओगे आप ये आप इसमें लिख दोगे अब बॉडी के अंदर में आप जो हमारा नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल और ऑयल पाम है ना ठीक है इससे आप स्टार्ट करोगे कि ये अभी स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था और पिछले साल की बात है और इसमें यार नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात हुई थी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करेंगे तो क्या प्रोग्राम था उस प्रोग्राम की हाईलाइट्स आपको देने हैं क्योंकि पिछले साल पढ़ाया था ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यू कैन इजीली राइट डाउन सम पॉइंट्स ओवर हियर इसके बाद में इसके साथ बहुत सारे इश्यूज थे इश्यूज क्या थे डाइवर्सिटी रिलेटेड इशूज़ थे ठीक है इकोलॉजी रिलेटेड कंसर्न थे और अन्य और भी कंसर्नस थे बहुत सारे ठीक है, कन, जो रिलेटेड तो वो सारे आपको जो हैं वो यहां पे लिखने हैं इशू जब आप लिख दोगे उसके बाद में आपको लिखना है कि वट विल बी इशू मत लिखना पहले लिखना इसके बेनिफिट क्या होंगे इसके एडवांटेज क्या होंगे किस प्रकार से ये भारत की ये जो नेशनल ऑयल मिशन है ये भारत की तेल की नीड को क्या करेगा पूरा करेगा तो आप बताओगे यार इतने एरिया में हम इंप्लीमेंट करेंगे तो एग्रीगेट प्रोडक्शन हमारा लगभग इतना हो जाएगा ऐसा ऐसा करके आप इसमें बताओगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लिखोगे इससे साथ में जुड़े हुए जो इश्यूज हैं वो क्या हैं तो इस प्रकार के आप करके आपको इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना है मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से संसर को लिख लोगे आपका पता नहीं मुझे आप करोगे या नहीं करोगे इस हिसाब से आप लिखना शुरू करना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप कर दोगे काम ठीक है मुझे पूरा विश्वास है जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियस हैं हमारे साथ वो कर देंगे

आप मुझे यहां पर क्या कर सकते हैं मेल कर सकते हैं सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉमेल है जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन चाहिए यू कैन मेल मी एट दिस नंबर आप मुझे इस नंबर पे मेल कर सकते हैं मैं आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दूंगा अभी हमारे दो कोर्स आ रहे हैं एक तो तेरह तारीख से आ रहा है और एक ग्यारह तारीख से मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है जो आपको मेन्स में भी क्या करेगा हेल्प करेगा ऑप्शनल लेवल पर भी हेल्प करेगा अब अगली बात करते हैं दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे जो 2014 में नई सरकार बनी थी ठीक है उसके बाद जो पहले वित्त मंत्री बने थे अरुण जेटली साहब तो जेटली साहब के टाइम पे ना उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड पे बड़ा जोर दिया था ठीक है वैसे पेशे से वो एक वकील भी थे और कानून की अच्छी खासी नॉलेज थी उनको तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को काफी वो किया प्रचलित किया उनका मानना था जब से सरकार नहीं बनी थी तभी से वो इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में थे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ जैसे फंडिंग भाई कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो पैसे का बहुत यूज़ होता है चुनाव के अंदर है ना भाई पोस्टर बनवाने होल्डिंग बनवानी पैसे खिलाने शराब दिलानी है ना तो पैसे का बहुत रोल होता है चुनाव के अंदर तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग लेती हैं ठीक है अब पहले जो ये फंडिंग थी ठीक है ये अलग तरीके से होती थी लेकिन बाद में कहा कि चलो इस फंडिंग को ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते हैं और इस फंडिंग के लिए हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा और दस के मल्टीपल में चलेगा एक हज़ार का बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड दस हजार एक लाख दस लाख एक करोड़ दस करोड़ ऐसे के टेन के मल्टीपल में इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको परचेज कर सकती है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से हर हाँ, साल के अंदर में चार से पांच बार जो है इनको बॉन्ड को रिलीज किया जाता है और स्टेट बैंक की जो ब्रांच है उसी के माध्यम से इनको रिलीज किया जाता है जहां से आप ये बॉन्ड परचेज कर सकते हो ठीक है उसके बाद हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक अकाउंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के अंदर जहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड आपने पार्टी को दे दिए पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके एसबीआई की ब्रांच में जाएगी और विद इन फिफ्टीन डेज ये काम होना चाहिए आपने इशू कराया इलेक्टोरल बॉन्ड तो पंद्रह दिन के अंदर में जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो पार्टी के पास चला जाएगा पार्टी उसको बैंक में लगा देगी और पैसा जो है वो बैंक के खाते में आ जाएगा ये पंद्रह दिन की प्रोसेस है विद इन डेज इसको क्या हो जाना चाहिए पूरा हो जाना चाहिए इसके अंदर में ना तो बायर का नाम रहेगा ना ही जो है किस पार्टी को दे रहे हैं वो ये चीजें गुप्त रहेंगी ये इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी दोस्तों सील्ड रहेंगी क्लोज रहेंगी मतलब ना तो इन्फॉर्मेशन उसकी है जिसने खरीदा है

जो इसका पर्पज था इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आना ये बिल्कुल उसका अगेंस्ट है उल्टा जा रहा है और इसके लिए दो बहुत सारी जो हमारी जो एनजीओज हैं दो एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटिशन डाली है याचिका डाली है कि जो डिजायर्ड पर्स था जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर की सुनवाई करनी चाहिए तो हमारे जो चीफ जस्टिस ए, 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 रमन्ना साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ वो इलेक्टोरल बोन्ड की क्या करेंगे इस मामले पे सुनवाई करेंगे तो चलिए इलेक्टोरल बोन्ड के मामले को भी देख लेते हैं फटाफट से एक रिक्वेस्ट भी है और नाराजगी भी है आपसे कि यार आप वीडियो को शेयर नहीं करते जब तक मैं बताता नहीं हूँ ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए यह मेरा निवेदन है अनुरोध है आपसे प्लीज लाइक करें वीडियो को प्लीज वीडियो को क्या करें शेयर करें सो दिस इज द टॉपिक जो आपका आया हुआ था इलेक्टोरल बोन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट से इट विल टेक अप द मैटर द हिंदू में आया हुआ टॉपिक है दोस्तों आपका ये चलिए इसको बात कर लेते हैं जीएस पेपर दो अगेन पॉलिटी गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल सक्सेस लिमिटेशन एंड पोटेंशियल सिटीजन चार्टर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड जीएस पेपर दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी दैट द सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप फॉर द हियरिंग अ पेंडिंग प्ले चैलेंजिंग द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम दो तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन डाली गई है एक याचिका डाली गई है जिसमें ये बोला गया है कि यार सुप्रीम कोर्ट को ना इसके चुनावी बॉन्ड जो है इसके ऊपर हियरिंग करनी चाहिए 2018 में स्टार्ट की गई इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर जो इसका उद्देश्य था ये उसके उद्देश्य के विपरीत जा रहा है ठीक है सारा का सारा काम तो ये बात यहाँ पे कही गई है वट वॉज द प्ले जो ये याचिका थी ये क्या कह रही थी दो एनजीओ थी बेसिकली इसका नाम था कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर इन्होंने क्या किया है दो कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इन्होंने चैलेंज किया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये हमारी डेमोक्रेसी को क्या कर रही है डिस्टॉर्ट कर रही है ये डेमोक्रेसी को क्या कर रही है दोस्तों ये डेमोक्रेसी को विकृत कर रही है ये आरोप लगाया गया है और इसीलिए कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर आपका द, आपका डेमोक्रेटिक रिफॉर्म दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इसके खिलाफ याचिका डाली है इसकी सुनवाई की जाए बात करते हैं सर व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड बॉन्ड ये चुनावी क्या होते हैं व्हाट दिस चुनावी बॉन्ड तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं ना दे आर एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनीवन कैन डोनेट द मनी टू पॉलिटिकल पार्टी चुनावी बॉन्ड एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ना कोई भी राजनीतिक दल जो है उसको आप धन दान कर सकते हो पैसा दे सकते हो ठीक है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वही एक बैंक है जिसको किया गया है कि भैया वही बॉन्ड इश्यू करेगा और वही बॉन्ड को क्या करेगा दोस्तों मेटेलाइज करेगा आपने बॉन्ड खरीदना है तो SBI के पास जाओगे और किसी पॉलिटिकल पो पार्टी को आपने दे दिया उसके बाद उसको, उसको उससे पैसा लेना है तो एस में जमा करना पड़ेगा तो एस जो है दोस्तों वो है टू इशू एंड एनकैश दीज बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डो को जारी करने वाला और भूनने के लिए एक अधिकृत प्लेटफॉर्म है ठीक है जो जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों तक के लिए क्या रहता है वैध ये जो बॉन्ड हम इशू करते हैं ठीक है ये जो हमारा डेट ऑफ इशु है उसे सिर्फ पंद्रह दिन तक ये क्या होते हैं दोस्तों वैलिड होते हैं ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना हमारे दोस्तों ये मल्टीपल्स में होते हैं जैसे हजार हो गया फिर दस हजार हो गया फिर एक लाख हो गया फिर दस लाख हो गया फिर एक करोड़ हो गया ऐसे दस के मल्टीपल्स के अंदर में होते हैं और इनके ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती दे आर विदाउट मैक्सिमम लिमिट कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती उसके बिना होते हैं पर्सन बींगल कैन बाई इलेक्टुअल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति है ठीक है इंडिविजुअल पर्सन है वो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है आइदर सिंगली खुद अकेला मिलकर ले सकता है या ज्वाइंटली ठीक है बाकी किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर वो इस प्रकार के इलेक्ट्रोर बॉन्ड जो है वो क्या कर सकता है परचेज कर सकता है डोनर नेम इज नॉट मेंशन इन द बॉन्ड अच्छी बात क्या है कि जो डोनर्स हैं ठीक है जो दाता है जो इस बॉन्ड को बेच खरीदते हैं जो लेके पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं उनका नाम इसके अंदर में मेंशन नहीं होता कहीं पे भी ठीक है ये किसके अंदर अच्छी बात है गोपनीयता की बात है लेकिन जो ये गोपनीयता है यही जाके डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है यही जो है डेमोक्रेसी को विकृत कर रही है वाई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्यों इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स पे हम आए हमने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स को क्यों अडॉप्ट किया सेंट्रल बिहाइंड द इलेक्टोरल बोन्ड स्कीम वॉज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल फंडिंग हम ये चाहते थे कि भारत देश के अंदर जो इलेक्टोरल फंडिंग फंडिंग है funding है उसके अंदर आए, उसके अंदर अंदर में में ट्रांसपेरेंसी आए पारदर्शिता आए ये हमारा ये हमारा उद्देश्य था हम चाहते थे ठीक है ये हमने सोचा था बट इसके साथ साथ जो है इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ गए जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं गाइज एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को प्लीज ठीक है पांच तक भी नहीं पहुंचे यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो यार ऐसे कैसे काम बढ़ेगा यार हैं भाई मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है मैं मानता हूँ ठीक है प्रॉब्लम है बट अगर आप ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी नहीं तो मैं नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ठीक है उसमें भी आजकल आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे जो डिज़ायर्ड सपोर्ट है वो दिख नहीं रहा है मैं सच बता रहा हूँ आपको आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट इज़ हैपनिंग ठीक है बट फिर भी मैं मानता हूँ गलती मेरी है क्योंकि मेरा टाइमिंग वाइमिंग जो है वो थोड़ा सा शायद आपको सूट नहीं कर पा रहा है बट स्टिल यार आई एम डूइंग माई प्रयास आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट और मैं कोशिश आगे भी करता रहूँगा इस बात का मैं आपको क्या कर रहा हूँ आश्वासन भी दे रहा हूँ कि जो मेरे प्रयास हैं ये आगे भी होते रहेंगे और इस प्रयास में मैं किसी प्रकार की कमी जो है वो नहीं आने दूंगा बट आपको भी यार जो अपना सपोर्ट है वो इन्श्योर करना चाहिए ना लाइक करो यार वीडियो को प्लीज़ ठीक है

और सरकारी बैंक से जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे तो उसमें नॉर्म्स होती हैं नो योर कस्टमर तो सरकार को तो पता चल ही जाएगा तुम किसको ले रहे हो किसको फंडिंग दे रहे हो तो इसीलिए ये जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है ठीक है दूसरा नाइदर द डोनर हु कुड बी एन इंडिविजुअल और नॉर द पोलिटिकल पार्टी डोनेशन कम्स फ्रॉम अच्छा इसके बाद में क्या हो गया है ना अब ना तो पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना जरूरी हो गया है कि

अगर बात करूं वो सरकारी बैंक है तो सरकारी हो रहा है और एस बी आई सरकारी बैंक है द मूव कुड बी मिस गिवन द लैक ऑफ डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल परचेजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड देखो इसकी खरीद करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं की कमी की देखते हुए यार इसका दुरुपयोग हो सकता है भाई कौन खरीद रहा रहा है है किसको दे रहा है, इस कमी के होते हुए इसमें क्या हो सकता है इसका दुरुपयोग जो है वो हो सकता है इलेक्टोरल बोन्ड जो है ना दोस्तों वो इलेक्टोरल फंडिंग को और भी ओपेक बना रहा है और भी धुंधला बना दिया इसने जो पहले चीज थी उससे भी अब चीजें और धुंधली हो गई हैं इट विल ब्रिंग मोर एंड मोर ब्लैक मनी इन टू द सिस्टम अब क्या है दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में ऐसा कहा जा रहा है कि इससे और भी ज्यादा ब्लैक मनी जो है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में वो एंटर कर रही है अब रिलेटेड सर्च की बात कर रहे हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में एक टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज करके ठीक है एम लक्ष्मीकांत में वो आपको पढ़ लेना है इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का जो चुनाव आयोग है इसके बारे में आपको पढ़ना है तो दो छोटे छोटे काम मैं दे रहा हूं आपको रिलेटेड सर्च के लिए कहां से दोस्तों आपकी किताब एम लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी की किताब से सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर देंगे बढ़िया तरीके से करेंगे ठीक है इसको कोई भी आप कमी नहीं रखोगे इसमें इतना मुझे इस पर आश्वासन है आप लोगों का के ऊपर बात करते हैं आर इलेक्ट्रोरल बॉन्ड आपसे पूछा सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं अच्छा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कोई इलेक्ट्रोरल बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है किस डिनोमिनेशन में आप इसको परचेस करोगे इसके क्या फीचर्स होते हैं एंड हु कैन यूज दिस बॉन्ड कौन कौन है जो इन बॉन्ड्स को क्या कर सकता है यूज कर सकता है या इशू कर सकता है ओनली एस बी आई कैन इशू दिस बॉन्ड एंड एस बी आई इसको क्या करेगा एंड कैश करता है एक सवाल भी है चलिए पढ़िए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में कुछ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इन स्टेटमेंट को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए पहला क्या कह रहा है दोस्तों द बायर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड मस्ट फुलफिल दी इलेक्टोरल बॉन्ड डज नॉट कैरी एनी नेम ऑन द द ऑफ बायर ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी रिसीव्ड ओनली बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट वन परसेंट वोट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू एन असेंबली और पार्लियामेंट डो नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट रेट एंड कैन बी ट्रेडिड इन द सेकेंडरी मार्केट शेयर बाजार में आप जाके इनको नहीं बेच सकते तो तीन सवाल हैं तीन स्टेटमेंट हैं आप बताइए मुझे तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको मुझे बतानी है यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट जल्दी बताइएगा देखते हैं कौन इस पर सही जवाब दे पाता है चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों एक दो तीन तीनों सही है ठीक है एक दो तीन तोता की मशीन ऐसे ही कुछ है ना एक दो तीन इन, इन बीन तोता तीन, है ना ऐसा ही कुछ है ना सो so, तीनों स्टेटमेंट इसमें इस क्या है दोस्तों करेक्ट हैं बातें मेन स्पेसिफिक ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों ठीक है दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट हाउ द इलेक्टोरल बोन्ड स्कीम कैन प्ले अ रोल इन प्रिवेंटिंग द ब्लैक मनी इन इलेक्शन एंड व्हाट आर द इश्यू बॉन्ड स्कीम तो कह रहा है बॉन्ड कि, स्कीम किस प्रकार से एक रोल प्ले कर सकती है प्रिवेंटिंग द ब्लैक मनी इनटू द सिस्टम तो आपके सामने चैलेंज है इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया है इस टॉपिक में मैंने आपसे कमियां बताई हैं मैंने ये कहा है कि भैया इस सिस्टम में कमियां हैं बहुत सारी और मैं जो पूछ रहा हूं मैं दो भाग में पूछ रहा हूँ कमियाँ तो मैंने पूछ ही ली आपसे ठीक है आप, आप ध्यान दोगे दो ना यहाँ पे तो मैंने कमियाँ तो तुमसे पूछ ही ली है साथ साथ में मैंने ये भी पूछ लिया कि आर द डिफरेंट इशू विद इट इसके साथ में जुड़े हुए अलग अलग जो हैं वो कौन कौन से हैं तो यहां पर मैंने दोनों चीजें आपसे पूछ ली हैं ठीक है ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसमें आप कैसा लिखोगे बताओ इसमें आप कैसे लिखोगे मेन स्पेसिफिक में बताओ मुझे तो देखो विल स्टार्ट विद दिस लाइक इंट्रो होगा पहले हमारा ठीक है इंट्रो के बाद विल राइट बॉडी और फिर हम आएंगे किसके ऊपर दोस्तों कंक्लूजन के पार्ट पे इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन ठीक है इस प्रकार से हम लिखेंगे इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन इंट्रो के अंदर में हमारा कीवर्ड पकड़ो क्या है दोस्तों अपना कीवर्ड 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 क्या है है दोस्तों पकड़ो कीवर्ड को कीवर्ड है हमारा सर इलेक्टोरल बॉंड स्कीम। इलेक्टोरल बॉंड स्कीम। <coughs> अब इलेक्टोरल बॉंड स्कीम 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 बॉन्ड अब को या तो तुम डिफाइन कर दो क्या है क्या नहीं इसके बारे में बता दो या इसको एक्सप्लेन कर दो या आपके पास कोई डेटा है तो वो कर दो या आपके पास कोई करंट में है अभी न्यूज ठीक है तो वो बता दो मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा मैं स्टार्ट करूंगा कि हाल फिलहाल के अंदर में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना साहब उन्होंने दो एनजीओ है कॉमन कॉज और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ठीक है उनकी पिटीशन को क्या किया है एक्सेप्ट किया है कि दे विल लुक इन टू दिस मैटर कि जो पिटीशन में कहा गया है कि दिस इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोसेस इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉटिंग अवर डेमोक्रेसी तो उसके खिलाफ जो पिटिशन आई है उसको एक्सेप्ट किया है किसने जस्ट जो एन वी रमना साहब जस्टिस ने उन्होंने कहा है कि वी विल लुक द मैटर हम इस मुद्दे में क्या करेंगे करेंगे देखेंगे इसकी जांच गहराई से देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है और जो भी कॉज हैं जो भी कंसर्न है जो भी, भी चिंताएं <coughs> उसको दूर करने का क्या किया जाएगा प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से तो दीज आर द डिफरेंट की ये कीवर्ड्स वर्ड्स हमारे इन कीवर्ड्स के ऊपर हमें काम करना है और यहां पर जो मेन की है हमारा मैं क्या करूंगा दोस्तों हमारे पास करंट न्यूज से स्टार्ट करने वाला हूं ठीक है मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद मैं बोलूंगा कि ये मैंने स्टार्ट कर दिया फिर मैं बॉडी में आऊंगा बॉडी <coughs> के अंदर जब मैं आऊंगा तो मैं इलेक्टोरल स्कीम के बारे में बताऊंगा पूरा इलेक्टोरल स्कीम क्या है कंप्लीट बताऊंगा मैं ठीक है भाई क्या है <coughs> परपज क्या था ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव ठीक है सारी चीजें मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है कौन परचेज कर सकता है एस का क्या रोल है उसके बाद में मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या विल we'll डिस्कस कि भैया इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है ठीक है आर द डिफरेंट इश्यूज पहले पहले प्रॉब्लम बताने से मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे ये बेनिफिशियल है ठीक है कैसे इससे बेनिफिट होंगे भारतीय डेमोक्रेसी को कि मतलब ये जो इसका डिजायर्ड पर्पज था ना जो करप्शन को खत्म करना वो ये कैसे कर सकती है ठीक है पहले हम कहते थे पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर करप्शन बहुत होता था तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें अब करप्शन ऐसा क्या था इस प्रोसेस में जिससे करप्शन नहीं होगा ठीक है जिससे करप्शन रुक जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे ठीक है और आखिरी में मैं लिखूंगा इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे इश्यूज कि ट्रांसपेरेंसी इशू है ये वो जो अभी मैंने पढ़ा वो करेंगे और फिर बाद में हम कंक्लूजन यहां पर एक ड्रॉ करेंगे ठीक है तो इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को क्या करोगे लिखोगे ठीक है इस प्रकार को इस पूरे क्वेश्चन को आप क्या करोगे लिख लोगे ठीक है करीना लाइट नहीं थी गर्मी है अब लाइट का इशू चल रहा है क्या करूं बताओ मैं कभी लाइट ना आ रही कभी इंटरनेट नहीं मेरे को तो शर्म आने लगी लग टाइम भी तुमसे तो ये आपको लिखना है ठीक है ये दो क्वेश्चन है इससे पहले वाला और ये ये हम कर लेंगे स्पेशल क्लास में होपफुली कल करें ठीक है मैं बता दूंगा आपको ईस्टर स्पेशल ऑफर क्या है इसमें अगर हम बात करें तो 24 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन दो साल का, अगर आप लेते हो, तो आपको का क्या मिल रहा है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी जी मेल के ऊपर आप मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिए ठीक है आप मुझे सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर क्या कर सकते हैं मेल कर सकते हैं ठीक है

2011 के बाद में रशिया वो पहला देश बनाया जिसको ह्यूमन राइट वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उससे क्या किया गया बाहर किया गया और एक किस आधार पर बाहर किया गया ऐसा माना है कि जो कीव के पास में एक जगह है ठीक है जिसका नाम है बोचा वहां पर इन्होंने ह्यूमन राइट का ग्रे वायलेशन किया है और उसके तहत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने क्या किया है दोस्तों यूएन में से इसको क्या निकाल दिया है रशिया को बाहर निकाल दिया है यून में से ठीक है ये बात हमने समझ ली

अगर आप दोनों देशों के बीच बातचीत कराना चाहते हो तो फिर आपको ये चीजें रोकनी पड़ेंगी कि उसको बाहर कर दिया उसको अंदर कर दिया ये चीजें रोकनी पड़ेंगी और भारत उसी स्टांस पर क्या चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यू एक्सप्लेन में आया हुआ था दोस्तों वट इज द एन ह्यूमन राइट काउंसिल हुज मेंबरशिप रशियाज में लूज आफ्टर द बूचा मैसे ठीक है तो इंपॉर्टेंट

कि जिस प्रकार से रशिया की सेना ने रशिया की ट्रूप्स ने ट्रूप्टेटिकली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है कहां पर दोस्तों यूक्रेन के के अंदर में उन्हीं चीजों चलते ये सोचा जा रहा है कि यार रशिया का जो मेंबरशिप है इसको सस्पेंड कर देना चाहिए इट कम एज अ ग्लोबल रेस्पॉन्स टू वॉर क्राइम बाय द रशिया फोर्स इन द बूचा अ टाउन आउटसाइड द कीव कीव के बाहर में एक टाउन है जिसका नाम है बूचा वहां पर जो रशियन फोर्स ने जिस प्रकार की किलिंग की है जिस प्रकार का ह्यूमन राइट वायलेशन किया है उसके चलते जो है ये कदम उठाए जाने की बात यहाँ पे की गई है अच्छा और कौन सी कंट्रीज है जिनको सस्पेंड किया गया है तो मैंने बताया 2011 के अंदर में लीबिया एक ऐसी कंट्री थी जिसको इसके तहत सस्पेंड किया गया था अदरवाइज और कोई कंट्री नहीं है उसके बाद उसके बाद अब सीधा किसका नंबर आया दोस्तों रशिया का नंबर आया है लीबिया को क्यों सस्पेंड किया था क्योंकि लीबिया के अंदर में भी जो उस समय के तानाशाह शासक थे गद्दाफी उनकी जो फोर्स थी गवर्नमेंट फोर्स जो थी उन्होंने जो प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ भी ह्यूमन राइट वायलेशन किया था है ना उनके ऊपर किलिंग की थी उनकी गद्दाफी की फोर्स ने जो प्रोटेस्टर थे उनको मारा था तो उसके चलते लीबिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर दिया गया था और तो उसके बाद अब रशिया इंडिया जो है वो एब्सटेंट रहा भारत ने वोटिंग नहीं की दोस्तों भारत ने कहा कि ऐसा अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं किसी को अंदर बाहर करने का तो उसके लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो भारत ने कहा कि यार हम इसके अगेंस्ट हैं ठीक है हम इसलिए अपने आप को इसमें से एब्सटेंट रख रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की कोई भी अगर आप करते हैं कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो जरूरी है उसमें कि आपको पहले प्रॉपर उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इंडिया यूनिकवली कंडेम्ड द डीपली डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ऑफ सिविल किलिंग्स इन द यूक्रेन सिटी ऑफ बूचा हालांकि भारत सरकार ने जो है कहा है कि यूक्रेन के बूचा शहर में जिस प्रकार से नागरिकों की हत्या हुई है वो एक गंभीर युद्ध इसका समाधान नहीं है इसलिए बातचीत करो बातचीत करके ही आप इसका समाधान कर सकते हो ये भारत की नीति है भारत की अप्रोच है भारत ने इस पॉलिसी को प्रोपोगेट किया है इंडिया की जो करंट अप्रोच है वो क्या है कह है सिंस जनवरी

यूएनएचआरसी सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों की आवधिक समीक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के मुद्दों पर गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करता है जिसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहा जाता है ये विशिष्ट देश जो है इसका उल्लंघन करने की एक विशेषज्ञ जांच की देखरेख भी करता है चलिए दोस्तों अब इसी से संबंधित कुछ और भी हैं। तो जो रिसेंटली न्यूज में रहे हैं ऐसे ही टॉपिक हैं मैं चाहूंगा एक बार आप इन टॉपिक्स पर भी क्या एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सी तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको खुद से ठीक है दीज आर टॉपिक्स यू हैव टू लुक फॉर देमसेल्फ आपको खुद से देखना है दोस्तों ठीक है खुद से एक बार इसको देखना पड़ेगा आपको क्या होते हैं रिलेटेड सर्च के अंदर

लीबिया, इन दो को रिसेंटली जो है यहां से क्या किया गया है? हटाया गया है अब बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ द पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट right के अंदर आता है नहीं मिलेगी भाई संध्या क्लाइमेटोलॉजी का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आपको ठीक है वो आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे सादिया प्रवीण आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं मिलेगा किसी को भी अभी उसके ऊपर एक हम क्लास भी करने वाले हैं ठीक है एक मैराथन क्लास करने वाले हैं हम क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी बताइए सही जवाब है इसमें तीनों के तीनों जो है अपने क्या है शिक्षा का अधिकार हो सार्वजनिक सेवा के समान पहुंच का अधिकार हो या भोजन का अधिकार हो ये तीनों के तीनों जो है आपके वो मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं ठीक है तीनों मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं अच्छा भाई ईस्टर डे स्पेशल ऑफर है अगर आप एक साल और दो साल का एक साल और डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको तीन महीने का एक्स्ट, एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्री मिल रहा है लेकिन यही जब आप 24 महीने और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिक्स मंथ का क्या मिल रहा है दोस्तों एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ठीक है तो जाइए दोस्तों फटाफट से आप जाके एनरोल कर सकते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए कीजिएमी को एंड इसमें कोड यूज करेंगे आप क्या सुमित टेन कोड यूज करेंगे और इसके माध्यम से आप इन अकेडमी को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं अगली जो टॉपिक है आज का वो है इंडियन टेंट टर्टल ये इंडियन टेंट टर्टल है दोस्तों देखो दिखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है ठीक है ये जो इंडियन टेंट टर्टल है इसके ऊपर अभी बातचीत की गई है इसके ऊपर सरकार ने अभी जो है बताया है कि इंडियन टेंट टर्टल जो है ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं है ये वलनरेबल नहीं है ये मतलब नहीं है हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारा जो वाइल्ड लाइफ शेड्यूल्ड एक्ट है शेड्यूल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट है उस जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसके शेड्यूल वन के अंदर हमने इसको रखा है यार लेकिन इसको खतरा है आजकल ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है इसलिए लोग इसको पाल रहे हैं ठीक है

कहा गया कि यार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा उन्नीस उसके तहत हमने इसको शेड्यूल वन के अंदर रख के हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हम इसको दे रहे हैं और ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा हो कि ये जो इंडियन टेंट टर्टल है ये नर्मदा की इलीगल माइनिंग की वजह से एक्सटिंक्ट होने वाला है रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द इंडिया टेंट टर्टल भारत के जो टेंट टर्टल है इसके संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सरकार को जो है प्रोवाइड किए गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इसमें इंडिया टेंट टर्टल जो है इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल्ड वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस सौ बहत्तर तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय टेंट टर्टल को मतलब क्या है कि हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द इंडियन टेंट टर्टल हमने इसको हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है इज नो रिपोर्ट टू इंडिकेट दट इंडियन टेंट टर्टल इज ऑन दर्ज ऑफ एक्सटेंशन टू द लीगल माइनिंग इनमदा रिवर कोई भी ऐसा सबूत आपके पास नहीं है जिससे आप ये कह सको कि जो इंडियन टेंट टर्टल है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लुप्त होने वाला है कहीं से भी आप इस बात को साबित नहीं कर सकते ठीक है कहीं से भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकते इंडिया का जो टेन टर्टल है इसका साइंटिफिक नेम जो है है वो क्या है आपका ये साइंटिफिक नेम है इसका पंक्सुरु ठीक है इट इज अ ऑफ द टर्टल इन द फैमिली ऑफ आपका अगर हम बात करें तो जियो माइडी जियो माइडिडिया जियो तो माइडीडिया जो है इसका स्पीसीज है और भी से थोड़ा मुश्किल होता है दिस जो है मुख्यतः कहा पाई जाती है दोस्तों भारत के अंदर नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर ये स्पीसी पाई जाती है इसकी तीन सब स्पीसीज और भी पाई जाती हैं इसकी ये जो स्पीसीज है इनका नाम बता रहा है पीटी टेंटोरिया ये जो है आपका ये पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है प्रायद्वीप भारत में पाया जाता है मुख्यतः हम बात करें तो उड़ीसा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश असम मध्य प्रदेश यहां पे पाया जाता है उसके बाद है आपका पीटी सरकम डेटा सरकम डाटा ये जो है मुख्यतः वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो गंगा की पश्चिमी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है वहां पे साथ साथ में गुजरात की नदियों में राजस्थान मध्य प्रदेश और आपका गुजरात उत्तर प्रदेश यहां पाया जाता है इसके अलावा है दोस्तों पीटी वेंट्रा ठीक है फ्लावी फ्लावी एंट्रा तो ये जो है आपका ये आपका नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा गंगा की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं उसमें पाया जाता है और मुख्यतः अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और असम मैं इसके हैबिटेट की बात करता हूं किस एरिया में रहता है तो जनरली ये स्टिल वाटर में रहना पसंद करता है स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है दोस्तों खड़े हुए पानी के अंदर या आप इसका आवाज देखोगे तो नदियों के किनारे जहां स्थिर जल होता है ना शांत जल होता है स्टैंडिंग वाटर होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा

आजकल ना इसको पेट मार्केट के अंदर इलीगली ट्रेड किया जा रहा है दिखने में सुंदर होते हैं तो लोग इसको घर में रखना पसंद कर रहे हैं ठीक है ये इसमें क्या है एक बड़ा थ्रेट है इसको अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा अर्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये जो सेटलाइट है ना नाम से ही पता चल रहा होगा अर्थ को ऑब्जर्व करेगा हम हमें सेटेलाइट छोड़ने वाले हैं अभी ठीक है हमारे जो मंत्री साहब उन्होंने अभी बताया कि भविष्य के अंदर बहुत जल्दी हम इस इसलाइट को लॉन्च करने वाले हैं ये सैटेलाइट का, का काम क्या होगा ये ऊपर से ना पृथ्वी पर नजर रखेगी ऑब्जर्व करेगी पृथ्वी को और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपके एग्रीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इसके मल्टीपल क्या हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स हैं चलिए बात कर लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस ओ जीरो टू तो ये पीआईबी में आया हुआ है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने कहा है कि ई ओ एस जीरो टू सेटेलाइट को ना हम सेकेंड क्वार्टर जो है यानी कि द्वितीय क्वार्टर जो है द्वितीय हाफ जो है जुलाई के बाद ठीक है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसको लागू किया इसको लॉन्च किया जाएगा दोस्तों इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कई सारी चीज़ों में ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेटेलाइट होगी जिसके अंदर हम नई टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जिनकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होगी फॉरेस्ट्री में होगी जियोलॉजी में होगी हाइड्रोलॉजी में होगी इन सब में होगी सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि भैया हम सेकेंड क्वार्टर में इसको लॉन्च कर देंगे साथ साथ ये जो सेटेलाइट है ये क्या है तो ये टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेशन सेटेलाइट है मतलब इसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे ये विभिन्न नई तकनीकों की प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का उपग्रह है जिसका उपयोग हम करने वाले हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर जियोलॉजी के अंदर हाइड्रोलॉजी के अंदर मिनियारिस्ट

आजकल क्या है दोस्तों डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां वो भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है तो उस मार्केट को कैटर करने के लिए हमने भी एस भी बना दिया ये स्मॉलेस्ट वहीकल है इसका लगभग 110 टन वेट है बाकी जो लॉन्च व्हीकल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं उनको असेंबल करने में ना सत्तर दिन लगते हैं लेकिन यहाँ पर इसको बहत्तर घंटों के अंदर में आप इंटीग्रेट कर सकते हो लॉन्च व्हीकल को बाकी को सत्तर दिन लगते हैं लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने में उसको तब जाके वो ऊपर छोड़ के आता है इसका पर्पस क्या था मैंने आपको बताया कि जो छोटी मार्केट है जो छोटे छोटे आजकल यूनिवर्सिटीज छोटी छोटी कंपनियां स्कूल वो भी अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों लोअर्थ ऑर्बिट के अंदर में हम उस मार्केट को कैटर करना चाहते थे इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया ट ईयर्स टू केटर द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज यूनिवर्सिटीज ऑफ स्मॉल एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशन इसके लिए हमने एस एस एल वी जो है इसको बनाया अब बात करते हैं दोस्तों भारत की जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट हैं से, अब ये ईओ एस जीरो टू अकेली सैटेलाइट नहीं ऐसी और भी हम मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं वो कौन कौन सी है तो सबसे पहले हमारी ई ओ एस जीरो वन है इसको नाम दिया गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट मीट फॉर एग्रीकल्चर इसका यूज हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं फॉरेस्ट्री में कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के अंदर कर रहे हैं सब ईओ जहां पर भी लिखा मिले मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेटरी मतलब पृथ्वी के ऊपर से हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ को देख रहे हैं इमेजिंग वेबसाइट वो है सेटेलाइट है ये फोटो वोटो खींच के ऊपर से भेजती रहेगी लाइव डेटा भेजती रहेगी ईओ एस जीरो हमने की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है इसको हम भेजने वाले हैं जल्दी ठीक है अभी सेकेंड क्वार्टर जो होगा हमारा उसके अंदर में हम इसको क्या करने वाले हैं दोस्तों इसको हम लॉन्च करने वाले हैं इसको हम भेजने वाले हैं उसके बाद बात करते हैं यू एस थ्री की फर्स्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो ऑर्बिट के अंदर है ये आपका कहां पर होगी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बट ये अर्थ ऑर्बिट के अंदर होगी जियो के अंदर होगी दोस्तों इसके अंदर रियल टाइम इमेजिनिंग का प्रोविजन है कि रियल टाइम पे आप इमेज ले सकते हो क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है उसकी क्विक तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं स्पेशल सिग्नेचर फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्रीज ये इसका उद्देश्य है इसके बाद है EOS, Earth Observatory Satellite no. Satellite Mint, ये Satellite है है अर्थ ऑब्जर्वेटरी नंबर इमेजिंग इमेजिंग ये इसका उद्देश्य है कि हम हाई क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोवाइड करें किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर में दोस्तों जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री में प्लांटेशन में सॉइल मॉइस्चर में हाइड्रोलॉजी और फ्लड मैपिंग के लिए किया जाए तो दिस इज अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जीरो फोर फिर आती है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जीरो पांच ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया गया है ठीक है ये भी जियो ऑर्बिट के अंदर है इस सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं यूएस जीरो सिक्स की तो ये सैटेलाइट जो है कई सारी एप्लीकेशन के लिए थे जिसमें ओशियन रिलेटेड सर्विसेज हैं एडवाइजरी टुवर्ड्स पोटेंशियल फिशिंग जोन पे आप मछली पकड़ सकते हो जाके है ना और साथ साथ में ओशियन स्टेट फोरकास्ट समुद्र की किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है ठीक है ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं एडवोकेट सुनील यार ज्यादा नहीं बोल रहा है तू गुड इवनिंग गुड नाइट क्या कर रहा है यार ये तू तो? पागल है अभी गुड नाइट हो रखी है गदा हो गया क्या तू दिमाग पे क्या हो गया तुम्हारे बता यार जब आप लोग सही से अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी ये काम करोगे ठीक है पढ़ने वाले लोग जो मुझे लगता है कैसे काम चलेगा यार समझ में बात नहीं आती आगे बढ़ते हैं दोस्तों ननार रिफाइनरी महाराष्ट्र ये जो ननार रिफाइनरी थी ना ठीक है ये महाराष्ट्र के अंदर में आनी थी और ये रिफाइनरी मतलब इतनी बड़ी थी कि आप मान के चलो इसे एक लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला था महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में इसको लगाने वाले थे ये रिफाइनरी तीन देशों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर रहने वाला था इंडिया सऊदी अरेबिया और यू तीन देशों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर बनने वाला था लेकिन इसको ओल्ड कर दिया गया क्योंकि जो कोंकण के लोकल जो लीडर्स थे ना उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया स्ट्राइक की उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं इससे एनवायरनमेंट को खतरा है कोंकण का एन्वायरमेंट इससे बहुत प्रभावित होगा और उसके चलते ये प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र सरकार ने ड्रॉप कर दिया इलेक्शन विलेक्शन आ रहे थे तो सरकार ने ड्रॉप कर दिया कि ठीक है छोड़ो यार बाड़ में जाए वोट वोट नहीं मिलेगी लेकिन ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अभी सरकार इसको सरकार इसको ना दोबारा से सोच रही है कि चलो यार जो हमने कैंसिल करने के बारे में सोचा था ना कैंसिल नहीं करते हैं इसको दोबारा रिवाइव करते हैं ठीक है वाई नाना रिफाइनरी प्रोजेक्ट वॉज स्टॉल्ड एंड वाई इट इट मे बी और क्यों इसको रिवाइव किया जा सकता है तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने कहा है कि जो नानार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है कोंकण के अंदर में उसको रिवाइव किया जा सकता है ठीक है एज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज रिकंसिडरिंग इस डिसीजन अबाउट द स्टॉलिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार जो है दोबारा इस फैसले पर इस प्रोजेक्ट को रोकने के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है

उस समय हम सोचा गया कि ये जो इट वॉज सपोज ये जो प्रोजेक्ट था ना ये ऑयल रिफाइनरी का ये एक ज्वाइंट वेंचर था जो इंडियन ऑयल के बीच में होगा भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड सऊदी अरेबियन ऑन आमको एंड यूनाइटेड अरब एमरिट्स नेशनल ऑयल कंपनी सोच रहे हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था आपका है। ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट था इससे लगभग लगभग तीन लाख करोड़ रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आती और साथ साथ में एक लाख लोकल रेजिडेंट्स जो थे उनको यहां पर नौकरियां मिलती ठीक है जॉब बहुत ज्यादा होता है यार ठीक है साथ साथ में अब रिफाइनरी बनी है तो उसके साथ साथ और भी कई चीजें लगेंगी और भी यूनिट लगती तो उससे फ़ायदा होता कि पर बहुत सारी जॉब जनरेट होती और ये जो जो कोंकण वाला एरिया है बैकवर्ड था अंडर डेवलप्ड था ये एरिया भी धीरे धीरे क्या हो पाता दोस्तों डेवलप्ड हो पाता अब सर व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द होल्ट अब इसको रोक दिया गया था तो रोकने के पीछे के जो अलग अलग कारण थे सर वो कारण क्या थे किन कारणों की वजह से इसको होल्ड पर डाला गया किन कारणों की वजह से इसको रोका गया वो एक बार हमें समझना होगा कि आर द डिफरेंट रीजन फॉर द होल्ड किन कारणों की वजह से इसको रोका गया मैं आपसे वो बताना चाहूंगा वो मैं जानना चाहूंगा ठीक है सो लोकल लीडर्स थे वो बस ऐसे ही मनमर्जी करने लगे आके प्रोजेक्ट प्रो, प्रो, करने लगे प्रोटेस्ट करने लगे की गलत है ठीक है ये ऑयल रिफाइनरी ठीक नहीं है इट इज़ फॉर द द ऑफ़ रीज़न, और उसके चलते फिर इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया होल्ड कर दिया गया ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों मिशन आपका वत्साल्य स्कीम आत्मनिर्भर भारत का बजट मिशन वत्साल्य इसका जो था इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ स्टेटी स्ट्रेंथ एंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विस एनकरेज नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ड्यूटी होल्डर बेसिक परपज क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ जो बच्चे हैं ना जिनके माँ बाप नहीं है ठीक है जो अनाथ है उनकी देखभाल करने के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की मिशन पब्लिक पार्टिसिपेशन साउथ फॉर चाइल्ड टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट ठीक है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं मिशन वत्साल्य स्कीम यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो क्या करेंगे प्राइवेट सेक्टर और वॉल्टियर ग्रुप के साथ में अभी कंबाइंड होंगे ठीक है जो अबंडेंट और मिसिंग बच्चे हैं ना जो छूट गए अपने परिवार से या किसी ने उसको छोड़ दिया परिवार वालों ने तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको केयर देने के लिए केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि वो ये स्कीम जो है वत्साल्य स्कीम के तहत बच्चों को क्या करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेंट इट्स ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर मिशन वाल स्कीम टू स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एंडशन बाई द अप्रैल अट्ठारह दो हजार बाईस इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने मिशन वत्साल्य की योजना के लिए अपना जो मसौदा है वो राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया है और उनको कहा है कि भैया आप भी एक काम करो अपनी सजेशन दे दो कि आपके क्या विचार हैं इसके बारे में ठीक है और अप्रैल 18 तक का टाइम दिया है मिशन एक एसेंशियल पार्ट है पहले हमारी एक एग्जिस्टिंग स्कीम थी ठीक है जिसका नाम था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस एंड ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज उसको हमने रीनेम कर दिया है मिशन वत्साल्य के नाम से ठीक है मिशन मिशन वत्साल्य टू एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन उद्देश्य क्या हम चाहते हैं लोगों का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बढ़े हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें जो हमारे पास अवेलेबल है और हम इस मिशन को क्या करें सक्सेसफुल बनाएं सिविल सोसाइटी पीपल ग्रुप एंड वेरियस वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन बी एनकरेज टू पार्टिस इन दिस्टमैटिक एंड प्लान ये हमारा उद्देश्य है।, है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसमें शामिल किया जाएगा नेहरू युवा केंद्र इनमें भारत स्काउट एंड गाइड आपका एनएसएस वॉलेंटियर्स और नेहरू युवा केंद्र जैसे सरकारी पहल के तहत संगठन शामिल हो सकते हैं मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि जो एक वत्सालय पोर्टल भी हम बनाएंगे इस वत्सालय पोर्टल पे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं आपुर में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं हम अपने आप को इस पर जाकर क्या कर देंगे रजिस्टर कर लेंगे एक बार जब आप एक बार इस पर अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो फिर सरकार डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आपके साथ में कोऑर्डिनेट करके यहां से जो है स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है कंपोनेंट्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल सर्विस थ्रू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर थ्रू स्पॉन्सरशिप ठीक है फोस्टर केयर एंड अडॉप्टेशन इट ऑल्सो प्रोवाइड आफ्टर केयर प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन एट सी सी आई वंस दे आर टर्न एटीन एंड इमरजेंसी आउटरीच सर्विस थ्रू दिल्ड चाइल्ड लाइन ऑफ अ नेशनल हेल्पलाइन ये हेल्पलाइन बना दी इसके माध्यम से भी ये बच्चों को क्या करेंगे प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आ रहा है सारा हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार फटाफट से क्या करो वीडियो को लाइक तो कर दो यार स्वीटी इनको इसलिए पता है क्योंकि आठवां टॉपिक है जनरली हमारे उसमें आठ या नौ ही टॉपिक होते हैं ठीक है, है? इसीलिए इनको पता है कि आठ आखिरी टॉपिक चल रहा है और ये आखिरी ही था तो ईस्टरडे ऑफर चल रहा है दोस्तों जिसमें आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ठीक है तो सिक्स मंथ का आपको क्या मिल रहा है फ्री मिल रहा है तो देर मत करो यार दिस इज द बेस्ट ऑफर और अच्छी बात यह है मेरे कोर्स भी आ रहे हैं ग्यारह तारीख से और तेरह तारीख से मेरा कोर्स आ रहा है इंडियन जोग्राफी का और यहां पर मेरा कोर्स आ रहा है दोस्तों किसका गुरुकुल जो है हमारा वो आ रहा है सो देर करो मत यार जल्दी से और एक अपॉर्चुनिटी है जाओ सब्सक्राइब करो जिन बच्चों को जुड़ना है मेरी मेल आईडी आपको पता है मुझे मेल कर दीजिए लोन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेना हो सब कुछ मैं करा दूंगा टेंशन बिल्कुल मत लो दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हम देते हैं पहला है प्लस दूसरा आइकॉनिक दोनों के अंदर में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं मेरा कोड है सुमित टेन आइकॉनिक के अंदर में भी आप मेरा कोड यूज करोगे यहां पर भी मेरा जो कोड है वो है सुमित टेन ठीक है इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें पर्सनल गाइडेंस नहीं होता इसमें पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है आपको ठीक है उसके अलावा ये जो है प्लस का कोर्स है इसको बोलते हैं हम प्लस नॉर्मल और ये जो हमारा आइकॉनिक है ये जीएस के लिए है जीएस सब्सक्रिप्शन है ये आप अलग अलग लेना चाहो तो ले सकते हो एक दो तीन साल की ये फीस है इस पर आप मेरा कोड लगाओगे टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लस प्रोग्राम पे तो यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों इसके लिए भी आपको मेरा कोड लगाना है आपको टेन परसेंट डिस्काउंट यहां पर भी मिल जाएगा नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद एंड लेट्स इट प्लीज दोस्तों जो बाद में देखिए उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक